किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा है कि हम पति पत्नी के बीच में बहस बहुत होती है, उससे मन अशांत होता है और वह बहस कलह के रूप में बदल जाती है, झगड़े हो जाते हैं, गुरुदेव हम क्या करें। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बहस से कोई भी आज तक जीता नहीं है। हम ये समझते हैं कि बहस जीतने का एक आसान तरीका है, जितना बहस करेंगे जीत हासिल नहीं होगी। बहस के अलावा और भी तरीके हैं जिससे हम सामने वाले के नज़रिए को बदल सकते हैं। शांत चित्त होकर के, बिना चिल्लाए, बिना झुंझलाए, बिना शर्मिंदा किए, बिना अपमानित किए, बिना किसी का मजाक बनाए, बिना किसी की हंसी उड़ाए आप जीत सकते हैं। लेकिन हम ये चाहे सोचते हैं कि नहीं, बहस करके हम जीत जाएंगे, ये बहुत बड़ी गलती है। मन अशांत होगा, कलह होगे, मन में सुख शांति मिलने वाली नहीं, आपके रिश्ते कमज़ोर होंगे, आपके संबंध टूटेंगे, यहाँ तक होगा कि पति पत्नी में तलाक तक की स्थिति आ जाएगी। तो बहस को बंद करें, बहस ना करें। आपसे मैं इतने कहना चाहता हूँ कि जब भी पति पत्नी के बीच में संवाद हो, विवाद नहीं होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, तो जब भी संवाद हो, किसी बात को लेकर बहस होने लगे, तो मैं कहूँगा कि चाहे पति हो या पत्नी हो, दो में से एक को कम दवा की अपनाना पड़ेगी और शांति से बात स्वीकार करना पड़ेगी। पूरा जोर जीतने पर यदि लगा दोगे, पत्नी कहे कि मैं बहस में जीत करके बताऊंगी, मैं हार नहीं सकती हूँ, पति कहे कि मैं हार नहीं सकता हूँ, दोनों तरफ से यदि जीत पर ही जोर लगेगा, तो मैं सोचता हूँ फिर कभी भी शांति मिलने वाली नहीं है। बहस का कोई अंत नहीं हुआ करता है। मैं ये कहूँगा कि यदि पति पत्नी के बीच में कोई बात हो जाए तुम्हारे बीच में, तो छुटपुट छोटी मोटी बिंदुओं पर आप हार मान लें, दो में से एक कोई भी हार मान ले, छोटी कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। छोटी बातों पे हार मानने से, कुछ बिंदुओं पर हार मानने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है, हानि कुछ भी नहीं होती है, उल्टा यदि आप इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो तुमको लाभ ही होने वाला है। मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि महत्वहीन बातों पर बहस करने से महत्वपूर्ण बातें हमारे हाथों से निकल जाती हैं। तो महत्वपूर्ण बातों पर यदि, महत्वहीन बातों पर यदि हम हार मान लें, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ महत्वपूर्ण बातों पर हम जीत। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मान लो सामने वाला कुछ कह रहा है, कैसे हार माने, कैसे छोटी मोटी चीज़ों पर, कैसे महत्वहीन चीज़ों पर हार माने, हमें वहाँ एक शब्द का उपयोग करना चाहिए कि मान लो किसी ने कुछ कहा तो उनसे आप कहिए कि हाँ, आपकी बात में दम है और आपकी बात जो आप कर रहे हैं वो कुछ हद तक सही भी हो सकती है, मुझे समय दीजिए, मैं इस पर विचार करूँगा। इतना यदि कह देते हैं तो एक बहुत बड़ी बहस से हम बच जाते हैं कि आपके विचार अच्छे हैं, आप जो कह रही हैं कम है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इतना कहकर के मुझे विचार करूँगा, इतना कह दो, तो वह बढ़ता हुआ बहस हमारा टल जाया करता है। और एक छोटी सी बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि कभी भी दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, साधुओं के संघ के समूह में, चाहे कोई भी हो, इंसान कहीं भी हो, सन्यासी हो या ग्रस्त हो, मैं एक ही संदेश, चाहे छोटे से बच्चे हो, बड़े हो, जवान हो, एक ही बात मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जीत को बड़ी जीत मत समझो। पति पत्नी यदि जीत करके दो में से लड़के दोनों जीत, एक जीत भी गया, तो इससे क्या होने वाला है? बाप बेटे में बहस करके यदि एक जीत गया, उससे क्या बहुत बड़ा लाभ उनको होने वाला है? देवरानी जिठानी झगड़ के दो में से एक जीत गई, तो उससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला नहीं है, वो जो हार गई उसे बहुत बड़ी हानि होने वाली नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पति पत्नी के बीच यदि बहस हो जाती है, छोटी जीत को बड़ी जीत मत समझो। यदि मान लो आप गए, तो कौन सा आपको राष्ट्रपति नोबेल पुरस्कार प्रदान करेंगे, कौन सा आपको राष्ट्रपति भारत रत्न का सम्मान दे देंगे, कौन सा लाल किले पे आपका सम्मान हो जाएगा, अरे आप पत्नी से जीत गए तो कौन सा आपको समाज के अध्यक्ष हार पहना देंगे, आपका अखबारों में बड़ा नाम आ जाएगा, हार गए तो कौन सा आपका बहुत बड़ा अपमान हो गया। तो छोटी छोटी बातों को ईगो ना बनाएं, छोटी छोटी बातों को बहस ना बनाएं, छोटी छोटी बातों को करें और दिमाग से निकाल दें। साथ जीतना है तो बड़ी जीत जीतो,
बड़ी जंग जीतो, ऐसी चीजें जीतो कि पूरा देश तुम्हारा सम्मान करे। जीत ऐसी होना चाहिए, हमारा समाज हमारा सम्मान करे, हमारा देश हमारा राष्ट्र हमारा सम्मान करे। ये घरेलू छोटी छोटी बातों में जीतने से कोई वीर और बहादुर का खिताब नहीं पाया करता है, और हारने से कोई बहुत बड़े कायरता का नाम हमें नहीं मिला करता है। इसलिए बहस से बचने का प्रयास करें, बहस से जितना बचेंगे उतना आपके मन में शांति आएगी, तो होंगे आपके विचार मिलेंगे। बस थोड़ा सा ये करना है कि आपके विचारों में बहुत दम है, हम इस पर विचार करें।